दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय अभिलाषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। भाजपा संगठन मंत्री पवन राणा और ज्वालामुखी के विधायक रमेश धवाला के बीच की जंग को लेकर हिमाचल विधायक दल के सचिव और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री राकेश जम्वाल का कहना है कि शिमला में विधायक दल की बैठक को लेकर किसी भी तरह की कोई चर्चा नहीं हुई है। ये विधायक रमेश धवाला की व्यक्तिगत समस्या हो सकती है, लेकिन गली चौराहे और मीडिया में जाकर इस तरह से बयानबाजी करना शोभा नहीं देता है। राकेश जम्वाल ने साफ किया है कि अगर विधायक धवाला दोबारा इस तरह की गतिविधियों से बाज नहीं आते हैं तो पार्टी को मजबूर होकर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी होगी। विधायक जम्वाल का कहना है कि धवाला की इस तरह की टिप्पणी से सभी नाराज हैं। उन्होंने साफ किया है कि संगठन सरकार बनाते हैं, ना कि सरकार संगठन को बनाती है। उनका कहना है कि रमेश धवाला को मर्यादा में रहकर बयानबाजी करनी चाहिए। पार्टी के संगठन मंत्री पवन राणा के खिलाफ इस तरह से बयानबाजी किसी भी सूरत सहन नहीं होगी। अपने आवास पर बुला लिया। मैं विधायक दल के सचिव होने के नाते और पार्टी के महामंत्री होने के नाते एक जिम्मेवारी के साथ इस बात को कह रहा हूँ कि विधायक दल की बैठक में किसी प्रकार से ऐसी कहीं पर चर्चा संगठन को लेकर, संगठन मंत्री जी को लेकर नहीं हुई। संगठन मंत्री हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए, हम सब के लिए, सभी विधायकों के लिए, पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के लिए आदरणीय है। उनका बहुत बड़ा योगदान पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए है। रमेश धवाला जी ने जिस प्रकार से कहा है, उनकी व्यक्तिगत समस्या हो सकती है, लेकिन मेरा उनसे भी निवेदन रहेगा कि आप गली चौराहे पर और मीडिया में ऐसी बातों की चर्चा करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी। और कहीं पर भी इस प्रकार की चर्चा करना, अगर आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत आपके विधानसभा क्षेत्र में है, आपके वहाँ पर अपनी समस्याएं, आप उन समस्याओं का जिक्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कर सकते हैं। और संगठन में कहीं पर दिक्कत है तो आप पार्टी के प्रदेश स्तर के नेताओं के साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी बात कर सकते हैं। लेकिन अपनी समस्या को लेकर इस प्रकार से प्रचार करना कि कांगड़ा जिला के सभी विधायक जो हैं संगठन से नाराज हैं, संगठन से परेशान हैं, मैं हर बार इस बात को कहता हूं कि संगठन सरकार बनाते हैं और सरकार संगठन नहीं बनाती। आज प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो ये कार्यकर्ताओं के कारण, संगठन के कारण और जनता के आशीर्वाद से बनी है। इसलिए मेरा रमेश धवाला जी से निवेदन रहेगा कि वे मर्यादाओं में रहकर अपनी बात को करें, संगठन के अंदर ठीक प्लेटफॉर्म पर अपनी बात करें, क्योंकि संगठन मंत्री जी के खिलाफ किसी प्रकार की अभद्र टिप्पणी, किसी प्रकार की इस प्रकार की बयानबाजी जो है वो पार्टी में सहन नहीं की जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। मैं प्रिंसिपल स्वामी विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामनगर मंडी। सबसे पहले मैं अपने स्कूल की बेटी निशा को, उसके परिवार को हार्दिक मुबारकबाद देता हूँ हिमाचल प्रदेश बोर्ड में पांचवी फिफ्थ पोजीशन पर आने के लिए। हमारा स्कूल आज से 25 वर्ष पहले शुरू हुआ था और अब तक हमने, हमारे स्कूल से बहुत अच्छे बच्चे पढ़ के निकले हैं, हर क्षेत्र में नाम स्कूल का रोशन कर रहे हैं। धीरे धीरे हमने जो डेवलपमेंट की उसमें कई तरह की उपलब्धियाँ शामिल हैं, जैसे आज हम, हमारे पास खेलने, बच्चों को खेलने के लिए एक भव्य मैदान है। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों की खेलों में भी बच्चों की रुचि को बढ़ाया जाता है। खेलें जीवन का अभिन्न अंग है तो बच्चों को हम हर वक्त मोटिवेट करते रहते हैं कि शिक्षा के साथ साथ अपने आप को फिजिकली फिट भी रखें। कंप्यूटर लैब्स हैं, वेल इक्विप्ड कंप्यूटर लैब्स हैं, लाइब्रेरी है स्कूल में उपलब्ध, उसमें विभिन्न प्रकार की पुस्तकें हैं जो बच्चों को मोटिवेट करती हैं आगे बढ़ने के लिए। साथ में आज का जो समय है, एकेडमिक के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बच्चों को तैयारी करवानी पड़ती है। हमारे पास जो बच्चे होते हैं जो यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, हमारा ये मकसद रहता है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको ट्यूशन इत्यादि में ना जाना पड़े। जो कुछ भी व्यवस्था है वो हम अपने लेवल पर स्कूल में रहते हुए बच्चों को कि हर तरह की प्रॉब्लम्स को दूर करें और बच्चों को यहाँ वहाँ ट्यूशन इत्यादि के लिए या एक्स्ट्रा कोचिंग के लिए भटकना ना पड़े। आगे आने वाले समय में जो मेरे विचार हैं बच्चों को लेकर के,
उन्हें कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारियाँ जो हैं एक ही छत के नीचे उपलब्ध हों, और इसके लिए हम और अच्छे स्टाफ की व्यवस्था करेंगे जिससे कि दूर दराज बच्चों को ना जाना पड़े और स्कूल की व्यवस्थाओं में ही उन्हें एकेडमी के साथ साथ कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पर फोकस करके बच्चों को सफलता दिलाई जाए। वनों को आग से बचाएं, वनों से ही पर्यावरण बचेगा, मानव जीवन सुरक्षित होगा। जंगल में आग लगती है तो इसकी तुरंत सूचना वन विभाग को देकर हर नागरिक अपना कर्तव्य निभाए। वन संपदा बेशकीमती है, हमारी धरोहर है। आम जनता वन विभाग के साथ आग बुझाने में सहयोग करे। यदि कोई आग लगाता है तो इसकी सूचना वन विभाग को आम लोग दें। जानकारी गोपनीय रखी जाती है।